साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला हमने बयान देखा था, पिछले वीडियो में राम शरण दास जो कि क्रांतिकारियों में से एक थे और अदालत में वो अपने बयान से पलट गए थे। दो क्रांतिकारी ऐसे थे जो पहले वादा माफ सरकारी गवाह बने थे, वादा माफ गवाह भी जिसे कहते हैं, और ये दोनों फिर बाद में बताया था कि पुलिस के दबाव में, पुलिस के कहने पर ऐसा हमने बयान दिया है, पुलिस वालों ने हमें ऐसा बयान देने पर मजबूर किया है। एक ब्रह्मदत्त थे और ये रामशरण दास थे। रामशरण दास का बयान पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और फिर उसके बाद फिर 31 मई 1930 की ही ये बात है, और भी कुछ गवाहियां हुई हैं और क्या उन गवाहियों में हुआ है इसे हम लोग देख लेते हैं। गवाह संख्या 7 थे रामशरण दास, और फिर उसके बाद गवाह संख्या 8 को आइए हम लोग देखते हैं। अदालत चल रही है। फिर से आपको याद दिला दूं कि क्रांतिकारियों ने इस स्पेशल ट्रिब्यूनल का बहिष्कार कर रखा है। क्रांतिकारियों की तरफ से न तो कोई अभियुक्त खुद मौजूद है और न ही अभियुक्तों की तरफ से कोई वहां पर वकील है और न कोई और मतलब बचाव पक्ष के लिए। वहां पर जज हैं, सरकारी वकील हैं, पुलिस अधिकारी हैं, दर्शक दीर्घा में भले ही कुछ लोग हैं, लेकिन अभियुक्तों की तरफ से न तो वो खुद हैं और न कोई और ही बचाव के लिए, और एक तरफा ये लगातार सुनवाई चल रही है। आइए देखते हैं गवाह संख्या 8 और आगे जो कुछ भी होता है इस दिन अदालत में। 31 मई 1930 की ये सुनवाई चल रही है। गवाह संख्या 8 के रूप में है बख्शी दीनानाथ, जिसका जिक्र बार बार होता रहा है। बख्शी दीनानाथ ने जो अपना बयान दिया है उसमें मोटे तौर पर यही है कि जो अभियुक्त राजगुरु हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। ये पूरा जो बयान है इसी के इर्द गिर्द है। बख्शी दीनानाथ ने कहा कि मैंने जब राजगुरु को लाया गया था लाहौर, उस समय भी बात की थी और उर्दू में वो बात कर सकते थे, मैंने काफी देर तक बातचीत की, बीच बीच में इंग्लिश भी वो बोलते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि राजगुरु ने कहा था कि मुझे अनुवादक चाहिए, मुझे सिर्फ मराठी आती है, तो उसको लेकर के ये बयान हो रहा है। और ये बख्शी दीनानाथ गवाह संख्या 8 ये बताने का प्रयास कर रहा है अदालत को कि अभियुक्त राजगुरु को उर्दू आती है। हालांकि एक जगह ये जरूर कहा कि थोड़ा सा जो लहजा है वो बदला हुआ है, लेकिन अभियुक्त को मराठी के अलावा उर्दू की जानकारी है। और इसके बाद फिर अगले गवाह की सुनवाई होती है, गवाह संख्या 9 ख्वाजा ताजुद्दीन, ये भी इंस्पेक्टर है स्पेशल स्टाफ सीआईडी पंजाब, और वो कहता है कि मैंने राजगुरु उर्फ एम से बात की है, एम छद्म नाम था इनका राजगुरु का पार्टी में। ख्वाजा ताजुद्दीन जो इंस्पेक्टर है वो भी कहता है कि राजगुरु को पुणे में गिरफ्तार करके लाहौर जब लाया गया था तो तलाशी और जो बरामदगी वहां हो रही थी उसमें मैं भी शामिल था, और मैंने देखा कि राजगुरु उर्दू बढ़िया से बोल सकता है, उर्दू में बातचीत की है, और जो यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है जिस भाषा को, उसने लिखा है कि हिंदुस्तानी और उर्दू जो कि प्रोसीडिंग बुक में मेंशन है, मतलब हिंदुस्तानी अथवा उर्दू जो भी है वो राजगुरु को भाषा आती है। जस्टिस आगा हैदर के सवाल के जवाब में इंस्पेक्टर ताजुद्दीन ने कहा है कि मैं उर्दू और पंजाबी दोनों बोलता हूं, लेकिन वह यानी कि राजगुरु यूपी का उर्दू बोलता है, उत्तर प्रदेश का उर्दू बोलता है। उसने अभी कहा कि कभी कभार मैंने उसके साथ इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत बातचीत की है। इसके बाद बोस्टल जेल का असिस्टेंट जेलर, बोस्टल जेल को बोस्टल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, तो बोस्टल इंस्टीट्यूट या बोस्टल जेल का असिस्टेंट जेलर हंसराज का बयान होता है। और हंसराज बताता है अपने बयान में कि शिवराम राजगुरु बोस्टल जेल लाहौर में 7-8 महीने से है, मुझे अक्सर उसके साथ बातचीत करने का मौका मिला है, वह अंग्रेजी और हिंदी समझ सकता है, उर्दू अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत कर सकता है। कल से 16 अभियुक्त बोस्टल जेल में हैं और वे एक ही बैरक में हैं। मैंने वहां अक्सर राजगुरु को उर्दू हिंदी और अंग्रेजी में
दूसरे अभियुक्तों से बात करते हुए देखा है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने किसी दूसरे अभियुक्त को कभी मराठी बोलते हुए नहीं सुना है। इसके अलावा जब वह पहली बार यानी राजगुरु के बारे में बता रहा है कि जब वह पहली बार विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में आया था तो उसने एक शेर भी पढ़ा था। जो प्रोसीडिंग बुक में शेर है वो इस तरह से है दर्ज, आई सेट आउट इन द सर्च ऑफ माय लवर, सच इज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट। इसका जो अनुवाद मिलता है वो इस तरह से है, अपने आशिक को ढूंढने निकले लो ऐसी होती है लव लगी दिल की। इसके बाद गवाह संख्या 11, गवाह संख्या 10 के रूप में बोस्टल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट जेलर हंसराज का बयान हुआ। गवाह संख्या 11 के रूप में बयान है मुकुंद पंत शास्त्री, और परिचय में लिखा हुआ है पिता का नाम सखाराम पंत, जाति ब्राह्मण, महाराष्ट्र, आयु 37 साल, संस्कृत के शिक्षक हैं। और ये शिक्षक कहाँ है तो शायद वो स्कूल का नाम लिखा हुआ है संघ वैद्य विद्यालय रामघाट मोहल्ला, बनारस का ये मोहल्ला हुआ करता था, वहीं ये शिक्षक थे मुकुंद पंत शास्त्री। और उनका ये बयान है, बयान में वो कहते हैं कि शिवराम राजगुरु मेरा स्टूडेंट रहा है, मैंने जिन लोगों को पढ़ाया उसमें से एक है, और करीब मेरे पास 2.5 साल तक वह रहा है। वो मेरे यहाँ संस्कृत पढ़ता था, वह महाराष्ट्री जिसको दक्षिणी भाषा भी कहते हैं वो समझता है, दूसरे स्टूडेंट उसके साथ दक्षिणी भाषा में बात करते थे, मैं भी उसके साथ सिर्फ दक्षिणी भाषा में बात करता था, मुझे नहीं पता कि वह दूसरी भाषा जानता है या नहीं। साथ में यह भी मुकुंद पंत शास्त्री बता रहे हैं कि हिंदी भाषा जो है वो दक्षिणी भाषा से बहुत ही अलग है, बहुत फर्क है दोनों में। जस्टिस आगा हैदर के सवाल के जवाब में वो आगे कहते हैं कि दूसरे जो और हिंदू स्टूडेंट्स थे मेरे यहाँ बनारस स्कूल में वो हिंदी भाषा बोलचाल में इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने राजगुरु से कभी भी हिंदी भाषा नहीं सुनी। और अंत में कहते हैं कि 4 साल पहले राजगुरु मेरा स्कूल छोड़ चुका है। तो साथियों, मुकुंद पंत शास्त्री के बयान के साथ ही 31 मई 1930 की कार्यवाही समाप्त होती है और ये तारीख दी जाती है अगली सुनवाई के लिए कि अगली अब सुनवाई होगी 9 जून 1930 को, यानी 31 मई के बाद। अब बीच में संभवतः छुट्टी है या किसी वजह से सुनवाई अभी नहीं हो रही है, और 9 जून 1930 को अब अगली सुनवाई होनी है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। इसमें जो लाहौर में भगत सिंह का मुकदमा चला है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में जो मुकदमा चला था वो भी हम लोगों ने देखा था। तो अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी, कमेंट करके अपने विचारों से आप जरूर अवगत कराते रहें। जय हिंद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।